लक्षद्वीप द्वीप समूह का स्ट्रीट फूड लक्षद्वीप द्वीपों में पेश किए जाने वाले व्यंजनों में समुद्री भोजन और नारियल और मालाबार मसालों की सुगंध प्रमुख है। इन द्वीपों के कुछ प्रसिद्ध स्थानीय भोजन इस प्रकार हैं। एक, ऑक्टोपस फ्राई। ऑक्टोपस फ्राई यहाँ बनाई जाने वाली मशहूर डिश है। ये डिश बेबी ऑक्टोपस में हरी मिर्च, लहसुन और नमक डालकर बनाई जाती है। उपर्युक्त जड़ी बूटियों से सॉस तैयार किया जाता है और फिर तले हुए ऑक्टोपस के साथ परोसा जाता है। दो, मुस्कावाब। मुस्कावाब द्वीप के पसंदीदा व्यंजनों में से एक है। ये बिना हड्डी वाली मछली मस से तैयार किया जाता है, जिसे नारियल, हल्दी, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, इलायची और लौंग के पेस्ट के साथ मैरिनेट किया जाता है। उसके बाद इन टुकड़ों को प्याज, टमाटर के साथ पकाया जाता है और करी पत्ते के साथ मिलाया जाता है। 3. मछली टिक्का। समुद्री भोजन प्रेमियों के लिए मछली टिक्का बहुत जरूरी है और यहाँ लक्षद्वीप में यह एक अद्भुत व्यंजन है। मछली को पहले बहते पानी से धोया और साफ किया जाता है और फिर इसे मिर्च, अदरक, लहसुन और लौंग जैसे मसालों और नमक के साथ मैरिनेट किया जाता है। फिर इसे तंदूर में या ग्रिलर पर ग्रिल करने के लिए सेट किया जाता है और फिर आपके स्वाद को खुश करने के लिए गर्मा गर्म परोसा जाता है। 4. मछली पकौड़ा। मछली पकौड़ा यहाँ का एक और लोकप्रिय स्ट्रीट डिश है। इसे बिना हड्डी वाली मछली को नमक के साथ मैरिनेट करके बनाया जाता है और फिर 1 ग्राम आटे, हल्दी और नमक का घोल बनाकर तेल में तला जाता है। 5. मासू पोडिच्ड। मासू सूखे ट्यूना को संदर्भित करता है। मासू पोडिच्ड लक्षद्वीप द्वीपों का एक विशिष्ट व्यंजन है। इसे सूखी मछली को छोटे टुकड़ों में काटकर और फिर कटा हुआ नारियल, प्याज, लहसुन, मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक के साथ मिलाकर तैयार किया जाता है। इसे चावल या रोटी के साथ सबसे अच्छा परोसा जाता है।